हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हुक्मा राम, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज अपन डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। इंटेंसिटी क्या होती है और वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। इससे पहले अपन मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो आज का अपना टॉपिक है वो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी इंटेंसिटी क्या होती है और उसको वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इंटेंसिटी जो है वो अर्थक्वेक का एक क्वालिटेटिव मेजर है, यानी गुणात्मक मापन है, यानी वो कितना इफेक्टिव है, उसका कितना प्रभाव पड़ता है अर्थक्वेक का अलग अलग जगहों पर, उसी के हिसाब से उसकी इंटेंसिटी डिफाइंड होती है। और इंटेंसिटी को अपन रोमन नंबर से लिखते हैं, रोमन संख्या जो होती है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, उसके हिसाब से अपन उसको डिफाइंड करते हैं, उसको लिखते हैं। और इसको कोई रिकॉर्ड करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंटल नहीं चाहिए, सिंपल अपन जो विजुअल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो अपने आंखों देखे हाल हैं, आंखों से अपन जो ऑब्जर्व करते हैं और जो एक्सपीरियंस अपन करते हैं, फील करते हैं अर्थक्वेक का, उसके हिसाब से इसकी इंटेंसिटी अपन फाइंड आउट करते हैं। और ये जो इंटेंसिटी है, ये डाटा जो है वो रिस्क जो मैप होता है, सिस्मिक रिस्क मैप, वो बनाने में बहुत काम में आता है। तथा जो अलग अलग इंपॉर्टेंट साइट्स है, जैसे डैम की साइट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की साइट है, ब्रिज की साइट है, वो साइट फाइंड आउट करने के लिए, उनको अपने साइट को डिसाइड करने के लिए भी ये मैप बहुत काम आते हैं, जो सिस्मिक रिस्क मैप होते हैं। और किसी भी एरिया की जो ऐतिहासिक जो सिस्मिसिटी है, यानी कितना वो भूकंपीय पहले आए हैं, कैसे आए हैं, तो वो सब पता करने के लिए भी अपने को इंटेंसिटी डाटा है वो ज़रूरत पड़ती है। और अब देखते हैं अपन जो मेन आज का टॉपिक है कि इंटेंसिटी किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है भूकंप की, वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो ये पांच चीज़ें हैं जो थोड़ा सा अपन ने पिछले लेक्चर में इनको लिया था, एक अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, एक डिस्टेंस फ्रॉम हाइपो सेंटर और इपी सेंटर, एंड टाइप ऑफ फाउंडेशन मटेरियल, बिल्डिंग स्टाइल और ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग। तो फर्स्ट है अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड का मतलब जो अर्थक्वेक का जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अपन रिकॉर्ड करते हैं रिएक्टर के द्वारा, रिएक्टर स्केल से। तो जो ये मैग्नीट्यूड को अपन रिकॉर्ड करते हैं, इस मैग्नीट्यूड पे भी इंटेंसिटी डिपेंड करती है। यदि किसी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा बड़ा एनर्जी रिलीज करेगा तो उससे ज़्यादा वेव्स बनेगी, स्ट्रेंग वेव्स बनेगी, और स्ट्रॉन्ग वेव्स बनेगी तो वो भूकंप कंपन ज़्यादा करवाएगी और उसकी वजह से तीव्रता उस भूकंप की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट अपना डिस्टेंस फ्रॉम हाइपो सेंटर और ईपी सेंटर। हाइपो सेंटर और ईपी सेंटर जो है, जैसे ग्राउंड पे जहाँ पे अपना अर्थक्वेक आया है, उससे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे किसी एक जगह पे भूकंप आया है, आप उससे 100 किलोमीटर दूर हैं, आपका साथी उससे 500 किलोमीटर दूर है, तो आपको जितने जो भूकंप के झटके महसूस होंगे उससे बहुत ही कम झटके आपके दोस्त को महसूस होंगे जो आपसे ज़्यादा दूरी पर। तो कहने का मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी भूकंप की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। फिर टाइप्स ऑफ मटेरियल जो है, फाउंडेशन मटेरियल है वो कैसा आपने यूज किया उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ मटेरियल्स आते हैं आजकल मार्केट में जो शॉक ऑब्जर्वर टाइप होते हैं, जैसे आप होता है ना सिंपल, इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक तो आप मारुति जो कोई गाड़ी है, एकदम छोटी गाड़ी है, उसमें बैठे हो, 3-4 लाख रुपये की जो गाड़ी आती है उसमें बैठे हो, और एक आप जो है वो मर्सिडीज में बैठे हो, तो दोनों का शॉक ऑब्जर्व की जो शॉक को वो जो सहन करती है उसकी क्षमता दोनों की अलग अलग है। आप मर्सिडीज वाला आराम आपको मारुति में नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ है कि मटेरियल किस टाइप का आपने यूज किया है फाउंडेशन के अंदर, ताकि जब वाइब्रेशंस आता है, भूकंप आता है, तो कुछ मटेरियल ऐसे आते हैं शॉक ऑब्जर्वर वाले जो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शॉक को ग्रहण कर लेते हैं, शॉक एब्जॉर्ब करने के बाद में उसका इफेक्ट सुपर स्ट्रक्चर पे बहुत कम आता है, क्योंकि फाउंडेशन में आपने शॉक को एब्जॉर्ब करवा दिया। इसी तरीके से बिल्डिंग स्टाइल, यानी बिल्डिंग का स्टाइल, किस टाइप की बिल्डिंग आपने बनाई है, सिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है, टॉल है, स्मॉल है, यानी एक या दो मंजिली है, बॉक्स सेक्शन आप उसमें है या नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंग स्टाइल में काफ़ी सारी चीज़ें आती है जो भी इंटेंसिटी को प्रभावित करती है। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग। ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग का मतलब शेकिंग ड्यूरेशन कितना है, कम टाइम के लिए शेक कर रही है तो इंटेंसिटी कम रहेगी, ज़्यादा टाइम के लिए शेक करेगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। अब अपन इनको और ज़्यादा डिटेल में वन बाय वन फैक्टर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड।
The relation between magnitude and intensity is very clear. The bigger the earthquake, यानी more magnitude, the higher is the damage to lives and property. Simple सी बात कि जितना ज़्यादा बड़ा magnitude होगा, यानी energy ज़्यादा release होगी, उतना ही magnitude ज़्यादा होगा और magnitude ज़्यादा होने से वो उतना ही damage ज़्यादा करेगा आदमी के जीवन को भी और संपत्तियों को भी, ना ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, यानी उसकी intensity ज़्यादा रहेगी. इसी तरीके से distance from hypocenter और epicenter, यानी hypocenter और epicenter distance जो है, epicentral distance जिसे अपन कहते हैं, अगर वो ज़्यादा है तो उसकी रिलेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लीनियर रिलेशन होता है. यदि कोई वस्तु ईपी सेंटर के पास में है तो वो ज़्यादा डैमेज होगी एज कम्पेयर टू दोज विच आर फार्दर, यानी जो दूर है उनकी बजाय पास वाले को ज़्यादा नुकसान होगा जब भी भूकंप आएगा. टाइप ऑफ फाउंडेशन मटेरियल, जैसे रॉक है और सॉइल आर इम्पोर्टेंट वाइल इवेलुएटिंग द अर्थक्वेक इफेक्ट्स बिकॉज इट कैन हेल्प अस इन असेसिंग द एक्सटेंट ऑफ डैमेज पॉसिबल. यानी किस टाइप की रॉक और सॉइल है जो आपकी फाउंडेशन है, जिस पे आपने फाउंडेशन की है, वो सॉइल किस टाइप की है, या वहाँ रॉकी है या क्लेई साउंड सॉइल है, किस टाइप की सॉइल है, वो भी बहुत आपका मैटर करता है अर्थक्वेक के समय. अगर सॉइल कमज़ोर है तो आपके अर्थक्वेक के समय भूकंप के दौरान नुकसान है वो बहुत ज़्यादा होगा, डैमेज बहुत ज़्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल, हार्ड रॉक फाउंडेशन कैन वाइब्रेट मोर बाई पी एंड एस वेव्स फ्रॉम ए नियर by epicenter, and soft soils can vibrate more by surface waves from a distant earthquake and often results into landslide. देखो दो चीज़ें हैं, अगर हार्ड रॉक है तो वो जो पी और एस वेव्स अपनी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स, उनके कारण अगर पास की बात करें, हार्ड रॉक अगर अर्थक्वेक epicenter के पास में हार्ड रॉक है तो वहाँ पे पी और एस वेव जो है वो जल्दी पहुँचेगी और उस कारण से उनका वाइब्रेशन ज़्यादा होगा. इसी तरीके से अगर कोई सॉफ्ट सॉइल है तो वहाँ पी एंड वेव्स का, एस वेव्स का इतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो सरफेस वेव्स है उसके कारण से वहाँ ज़्यादा आएगा, जो अर्थक्वेक है उसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा, और कई कई बार तो लैंडस्लाइड भी हो जाती है. लैंडस्लाइड होती है भूमि का फिसलना जो है, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन होगा सरफेस का, उस कारण से लैंडस्लाइड हो जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. तो यानी मटेरियल, फाउंडेशन के मटेरियल पर भी डिपेंड करता है. और अगर आपने शॉक ऑब्जर्विंग फाउंडेशन मटेरियल लगा रखे हैं जो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो आपका नुकसान और कम हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग स्टाइल. बिल्डिंग स्टाइल का मीन्स द लॉस ऑफ लाइफ इज नॉट बिकॉज ऑफ सेकिंग ऑफ द अर्थ बट बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग ब्रिजेज एंड अदर स्ट्रक्चर. यानी कहते हैं कि भूकंप आदमियों को नहीं मारता, आदमियों के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर ही आदमियों को मारता है. मीन्स भूकंप तो आएगा, ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर अपन बिल्डिंग जो है वो कुछ ऐसा डिजाइन कर दें, कुछ ऐसा बनाएं कि उसके ऊपर अर्थक्वेक के वो कंपन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं आए, तो जो स्ट्रक्चर कोलैप्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया कोलैप्स, ब्रिज हो गया या कोई अदर स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, तो उसके कारण लोगों की जिंदगियां ज़्यादा जाएगी. अगर मान लो भूकंप आया और स्ट्रक्चर नहीं गिरा तो कोई नहीं मरेगा, कुछ डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर भूकंप आया और स्ट्रक्चर गिर गया दैट मीन्स उसके कारण बहुत सारी हानि अपने को हो सकती है. तो अपने स्ट्रक्चर या बिल्डिंग स्टाइल कुछ ऐसा रखें जिसपे अर्थक्वेक का कम इफेक्ट पड़े. द बिल्डिंग स्टाइल इंक्लूड द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, हाइट एंड शेप ऑफ द बिल्डिंग. यानी उसमें क्या आएगा बिल्डिंग स्टाइल में, एक तो डिजाइन ऑफ बिल्डिंग कि आपने अर्थक्वेक के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है या नहीं किया है, प्रॉपर अर्थक्वेक फोर्स के हिसाब से डिजाइन करा है कि नहीं किया है, बिल्डिंग मटेरियल कैसा यूज किया है आपने, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, डक्टाइल मटेरियल यूज किया है या नहीं किया है. अगर आपने ब्रिटल मटेरियल लिए हैं तो वो सडन फेलियर होगा और उससे हानि होगी. इसी तरीके से बिल्डिंग की हाइट कितनी है और उसकी शेप कैसी रखी, आपने शेप सिमेट्रिक है या नहीं है, एक बॉक्स टाइप होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं है दैट मीन्स आपका अर्थक्वेक के समय स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेज बढ़ जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, पी एंड एस वेव्स कैन कोज हायर डैमेज टू ब्रिक और स्टोन बिल्डिंग्स स्पेशली द शॉर्टर वंस. यानी अगर पी और एस वेव्स आती है तो ब्रिक और अगर स्टोन मेसनरी है, यानी ब्रिक मेसनरी की अगर आपने वॉल बनाई है या स्टोन बिल्डिंग्स आपने बना रखी है, कई जगह स्टोन की भी पूरी पूरी वॉल्स बनती है, बिल्डिंग्स बनती है, तो उस जगह पर पी और एस वेव जो उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगी. इसी तरीके से अगर सरफेस वेव है, कैन कोज ग्रेट डैमेज टू टॉल बिल्डिंग्स बिल्ट ऑन सॉफ्ट सॉइल. सरफेस वेव जो वो हमेशा सॉफ्ट सॉइल पर ज़्यादा इफेक्ट करेगी, और अगर लंबी स्ट्रक्चर्स है, बड़े बड़े 10 मंजिल 20 मंजिल 50 मंजिल स्ट्रक्चर्स है, तो उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा सरफेस वेव का, और पी वेव्स और एस वेव्स का छोटे स्ट्रक्चर पर ज़्यादा इफेक्ट आता है. नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग. ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग, शेकिंग का ड्यूरेशन,
यानी अगर बिल्डिंग जो है ज़्यादा टाइम तक सेक करेगी तो उसे अपने को ज़्यादा हानि होगी। द ड्यूरेशन ऑफ सेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर असेसिंग डैमेज सफर्ड एंड लाइफ लॉस्ट। इफ द सेकिंग ड्यूरेशन इज मोर, ऑब्वियसली द डैमेज इज मोर। सिंपल सी बात है, जैसा ही ड्यूरेशन बढ़ेगा सेकिंग का, मतलब कंपन का टाइम बढ़ जाएगा। जैसे एक तो 2 ही मिनट के अपने झटके में, सॉरी 2 ही सेकंड के झटके महसूस हुए, एक अपने को 10 सेकंड तक झटके महसूस हो रहे हैं, तो संभावना ज़्यादा बनेगी कि 10 सेकंड वाले में ज़्यादा नुकसान हो जाए। क्योंकि हो सकता है कम टाइम में बिल्डिंग नहीं गिरे, लेकिन ज़्यादा टाइम तक अगर बिल्डिंग वाइब्रेट हो रही है तो बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, उसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है। बेस्ट ऑन द अबो फैक्टर 2 स्केल्स आर कॉमनली यूज्ड। इस इन अबो फैक्टर्स जो जितने भी अपने फैक्टर्स लिए हैं 5, मैग्नीट्यूड, एपिसेंटर से डिस्टेंस, फाउंडेशन मटेरियल, बिल्डिंग स्टाइल एंड ड्यूरेशन ऑफ सेकिंग यानी सेकिंग का टाइम, उसके हिसाब से जो अपना स्केल है इंटेंसिटी को मेजर करने का, वो 2 स्केल बनाए गए हैं। एक मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल, MMI बोलते हैं उसको, मॉडिफाइड, M का मतलब मॉडिफाइड, फिर M मतलब मर्केली इंटेंसिटी स्केल, जिसकी रेंज होती है 1 से लेके और 12 तक, यानी 1 जो है सबसे कम सीवर होगा, सबसे कम दिखाएगा इंटेंसिटी को, और जो 12 है वो मोस्ट सीवर, मोस्ट सीवर का मतलब सबसे ज़्यादा सीवरिटी को, सबसे ज़्यादा डैमेज को दिखाएगा। इसी तरीके से सेकेंड जो है स्केल वो अपना MSK स्केल, इसकी रेंज जो है वो 1 से लेके और इसकी भी 12 तक होती है, ये लिस्ट सेवरिटी 1 और जो 12th है वो मोस्ट सीवर होता है। तो ये सेम चीज़ है, MMI और MSK स्केल दोनों का रेंज है वो सेम है 1 से लेके 12 तक। तो 2 स्केल जनरली अपन यही काम में लेते हैं, मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल MMI। तो ये अपन ने आज के इस लेक्चर में अपन ने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक क्या होती है और वो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है, वो सारा अपन ने डिस्कस किया है। अब अपन देखते हैं अपना जो नेक्स्ट है, अपना इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में क्या दोनों में डिफरेंस होता है, मैग्नीट्यूड वर्सेज इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो अपना पहला पॉइंट यही हो गया, मैग्नीट्यूड जो है वो अपना क्वांटिटेटिव एस्टीमेट ऑफ अर्थक्वेक है, वाइल इंटेंसिटी इज क्वालिटेटिव, यानी एक अपना मात्रात्मक है मैग्नीट्यूड, मात्रात्मक MM मैग्नीट्यूड मात्रात्मक, और इंटेंसिटी है वो गुणात्मक मेजर्स है। मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर ऑफ इट्स साइज इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी रिलीज बाय द फॉल्ट रप्चर, यानी जब फॉल्ट रप्चर के कारण स्लिप होता है या टेक्टोनिक प्लेट टकराती है तो उस समय स्ट्रेन एनर्जी कितनी रिलीज होती है, यानी उस रॉक्स के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी की मात्रा को मेजर करना वो मैग्नीट्यूड के रूप में अपन मेजर करते हैं। वहीं अगर अपन इंटेंसिटी की बात करें तो ये अर्थक्वेक के कारण जो मोशन हो रहा है ग्राउंड का, उस ग्राउंड मोशन के कारण कितना डैमेज हो रहा है किसी पर्टिकुलर साइट पे, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, उस डैमेज को दर्शाने वाली चीज़ है वो है इंटेंसिटी। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज ए सिंगल वैल्यू, मैग्नीट्यूड है वो एक सिंगल वैल्यू होती है। वहीं अगर अर्थक्वेक इंटेंसिटी की बात करें तो वो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग होगी। जैसे मैग्नीट्यूड तो एनर्जी रिलीज हुई तो एक ही अर्थक्वेक के कारण जो एनर्जी रिलीज होगी वो तो सेम रहेगी, जिसे एनर्जी रिलीज हो गई वो सेम है, जबकि अगर उसका इफेक्ट देखें तो पास वाली जगहों पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा, जैसे जैसे अपन दूर जाते जाएंगे उसका इफेक्ट कम होता जाएगा, यानी उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड एक अर्थक्वेक का एक सिंगल वैल्यू होती है, जबकि उसी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग होती है, अलग अलग वैल्यूज होती है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। क्लियरली द सीवरिटी ऑफ सेकिंग इज मच हायर नियर द एपिसेंटर देन द फार्दर अवे, यानी जो दूर है वहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाती है नज़दीक की बजाय, नज़दीक वालों पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ये जैसे अपने रिएक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड अपन लिखते हैं 2 या 2 से कम, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उससे ज़्यादा। इसी तरीके से जो मर्केली अपना इंटेंसिटी स्केल है, अगर मैग्नीट्यूड 2 की बात करें तो उसके करस्पॉन्डिंग में ये 1 एंड 2S है, 3 तो ये 3, 4 के लिए 4 और 5, फिर 5 का कंपैरिजन या 5 से लेके 7 के बीच में रहेगा। अगर मैग्नीट्यूड 6 है तो उसकी इंटेंसिटी 7 से लेके 8 कुछ भी हो सकती है, 7 है तो उसकी 9 और 10 में से कुछ भी हो सकती है, 8 या उससे ज़्यादा है तो फिर ये जो अपना 11 और 12 में से कुछ भी
हो सकती है। अगर मान लो पहला ये कम इंटेंसिटी का, कम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, तो ये ज़्यादातर लोगों के द्वारा फील ही नहीं किया जाता। इसका एक्सेलरेशन जो है, परसेंटेज एक्सेलरेशन, वो बहुत कम होता है, 0.1 से लेके 0.19 तक या उससे कम। नेक्स्ट, अगर 3 मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी स्केल का अगर अर्थक्वेक है, तो फेल्ट इंडोर्स बाय सम पीपल्स, यानी जो अंदर है घरों के उनको थोड़ा बहुत फील होता है। और अगर जो अर्थक्वेक इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड 4 और ये इंटेंसिटी 4 और 5 के बीच में है, तो ज़्यादातर लोगों को वो फील होगा। उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0.5 से 1.9 के बीच में होगा। इसी तरीके से अगर अपना रिएक्टर स्केल 5, यानी मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी जो है 5 या 7 के बीच में है, तो सभी के द्वारा इसको फील किया जाएगा और बिल्डिंग डैमेज हो सकती है। अगर 5 मैग्नीट्यूड का है, यानी उसकी इंटेंसिटी 6 या 7 के बीच में, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स डैमेज हो सकती है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, 2 से लेके 2.9 के बीच में रहता है, बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर बात करें 6 मैग्नीट्यूड की, यानी इंटेंसिटी अपनी 7 या 8 के बीच में है, तो पीपल स्केयर्ड मॉडरेट डैमेज, यानी इसमें मॉडरेट डैमेज होगा और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 10 से लेके 19.9 के बीच में होगा। और अगर वहीं बात करें मैग्नीट्यूड 7 रिएक्टर स्केल पे, अगर 7 तीव्रता है, तो मेजर डैमेज, यानी बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सेलरेशन ज़्यादा होने से उसका वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होगा। और 8 या 8 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, यानी रिएक्टर स्केल पे अगर उसकी मैग्नीट्यूड 8 और उससे ज़्यादा है, और इंटेंसिटी मर्क्यूरी स्केल पे अगर 11 या 12 के बीच में है, तो डैमेज नियरली टोटल, यानी टोटली डैमेज हो जाएगा, लगभग उस एरिया में सारा ही डैमेज हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू जो है वो ओवर 100, यानी पूरा परसेंट 100%, यानी एक जी जो 9.81 होता है उसके बराबर आ जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे, टोटली डैमेज हो जाएगा उस सिटी में, उस एरिया में। तो ये अपन ने देखा मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या दोनों में कंपेरिजन है, और अपन ने देखा इंटेंसिटी के बारे में। तो आज अपन ने डिस्कस किया वो इंटेंसिटी क्या होती है, उसके ये 5 फैक्टर जिन पे ये डिपेंड करती है, और फिर अपन ने देखा मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या दोनों में कंपैरिजन है, क्या दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या सिमिलरिटीज़ है, वो दोनों चीज़ें अपन ने आज नोट करी। तो ये था अपना नेक्स्ट टॉपिक, अपना रहेगा आइसोसिस्मल्स एक छोटा सा टॉपिक है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, देन उसके बाद में अपना क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक आएगा। तो थैंक यू वेरी मच, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप जितने बने हुए उसमें शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, यूट्यूब पे शेयर कीजिए, जहाँ आप शेयर कर सकते हो, ट्विटर या खुद के उस पे अपने अकाउंट पे लगा लो या स्टेटस पे लगा लो, जहाँ पे भी आप लगाना चाहो इसको लगा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच।